हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रियास क्रिएटिव कॉर्नर। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो किचन डेकोर पे बेस्ड है। कुछ दिन पहले क्या हुआ था, जितना भी स्पाइसेस के जार पड़े हुए हैं मेरे पास, सारे स्पाइसेस को खाली करने के बाद, मसाला को खाली करने के बाद सारे बॉटल को धो दिया मैंने। फिर जब मैं ट्रांसफर करने लगी जितना भी मसाला था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सिंपली जितना भी मसाला है उसको ट्रांसफर करने से अच्छा उस जार को एक लुक, नया लुक दे दूं, उसे रेनोवेट कर दूं, उसे थोड़ा सा मैंने मेकओवर किया है। तो मैंने सोचा कि अकेले अकेले करने से अच्छा क्यों ना मैं वो सारे प्रोसेस को आपसे शेयर करूं। तो पूरा तो सारे मसाले का जितना भी जार था उसे शो करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं सभी जार का मेकओवर करने लगूं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा बन जाता। इसलिए मैंने एक छोटा सा सैंपल लिया था और वो था हल्दी का जार। तो एक छोटा सा मिनी सा हल्दी का जार है मेरे पास, तो उसका मैंने मेकओवर किया है और फिर मैं आप लोगों से ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये प्रोसेस, ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये देखिए, ये मेरा छोटा सा प्यारा सा स्पाइस जार है। मैं इसमें हल्दी रखा करती थी, इसे मैंने निकाल दिया है, थोड़ा सा मैंने वॉश किया है ताकि मैं आप लोगों से ये शेयर कर पाऊँ मेकओवर। तो एक्चुअली मैं इसका मेकओवर इसलिए करना चाहती थी कि डेढ़ साल से मैं करीबन इसे यूज कर रही हूँ, तो थोड़ा ब्लैंड लुक आ रहा था, टेस्ट थोड़ा डिफरेंट करना चाहती थी, इसलिए मैं इसका मेकओवर करना चाहती थी। लेकिन मैं इस कैप को थोड़ा हटाना चाहती हूँ। क्या प्रॉब्लम आ रही है इस कैप में, ये देखिए, ये क्या हो गया है कि मॉइस्चर के कारण और डेढ़ साल तक करीबन कंटिन्यूअसली यूज करने के कारण, धोती थी, सुखाती थी, यूज करती थी, फिर धोना, फिर सुखाना, फिर यूज करना, उसके कारण क्या प्रॉब्लम हो जा रहा था ना, ये रस्ट लग गया था पूरा, मतलब क्या बोलती हूँ, जंग लग गया था। तो जंग लगने के कारण क्या हो जा रहा था कि जो भी इसका ये डस्ट पार्टिकल है, ये झड़ के नीचे आपकी हल्दी में चला जाता था। तो मैंने सोचा कि इसको तो मेकओवर करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं इसे पूरी तरीके से हटा देना पसंद करूंगी। तो अब आप सोच रहे हो कि मैं इसके बदले इस जार में कौन सा कैप यूज करूंगी। तो क्या है कि आप इसमें प्लास्टिक का भी कैप यूज कर सकते हो, या फिर मैं ये यूज करना पसंद करूंगी, क्योंकि इससे पहले मैंने एक चिंग्स का परचेज किया था सॉस, तो ये रखा हुआ था, मैंने बॉटल हटा दिया है, उसको किसी और पर्पज से मैंने यूज कर दिया है। तो मैंने देखा कि जब मैंने ये ट्राई किया तो इसमें ये आसानी से बहुत अच्छे तरीके से ये लग गया था, फिट हो गया बहुत आसानी से। तो मैंने सोचा कि इसे यूज करूंगी ताकि इसमें हल्दी भी नहीं गिरेगी और ये अच्छे से लॉक भी हो जा रहा है, तो ये बहुत सही बैठ रहा है। तो इसको भी मैं कलर करके इसका मेकओवर कर लूंगी। और दूसरी बात ये हो रही है कि मैं इसे भी थोड़ा लुक चेंज करना चाहती हूँ, कि देखिए थोड़ा पीला पड़ गया है, धोने के बाद भी ये पीला पड़ गया है, और थोड़ा सा मॉइस्चर के कारण क्या है, ब्लैक, ये जो बल्जिंग पार्ट है इसमें थोड़ा सा ब्लैक ही लुक आ गया है, ये देखिए, ये ब्लैक ही लुक आ गया। तो इसे मुझे मेकओवर करने से पहले इसे पूरा हटाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये प्रोसेस मेकओवर का, और आप देखना मेकओवर होने के बाद ये कितना सुंदर दिखता है। और वैसे भी शीशे का जार घर पे हमेशा रखना चाहिए, बहुत खूबसूरत लगता है, किचन का भी लुक बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना है इसका। तो ये देखिए दोस्तों, स्क्रबर के हेल्प से मैं इस बॉटल को अच्छे तरीके से धो लूंगी और सुखाने के बाद ही इस बॉटल को डेकोरेट करूंगी। तो सबसे पहले मैंने ज़रा सा इसमें आउटलाइन बनाया है, आप चाहे तो मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ ब्लैक स्केच पेन का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा बेस कोट है, और इसे सूखने के बाद एक बार और इसमें कलरिंग करना है मुझे। तो ये देखिए दोस्तों, नीचे का बैकग्राउंड कलर मैंने कंप्लीट कर लिया है, और अब ऊपर का करने के लिए इसका कैप उतारकर यहाँ भी ब्लैक कोटिंग करना स्टार्ट करूँगी।
दोस्तों मैंने यहाँ ब्लैक कलर चूज़ किया है, आप चाहे तो कोई दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान ज़रूर रखना है अपने को कि चूँकि शीशे का बॉटल यूज़ कर रहे हैं इसलिए डबल कोट ज़रूर करें, वरना बैकग्राउंड कलर उभर कर नहीं आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये ब्लैक बैकग्राउंड। इस पे दो लेयर्स करने के बाद इसे अच्छे से सुखा लिया है मैंने, और अब स्टार्ट होगा इसका फुल मेकओवर। तो मैं यहाँ बहुत सारा पोल्का डॉट्स बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है कौन कौन सा कलर्स। मैं यूज़ कर रही हूँ येलो कलर, रेड, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन एंड वाइट कलर का भी यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, ऐसा डिज़ाइन बनाने के लिए आपको स्किलफुल होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है, तो बेफिक्र होके आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। और इसे बनाने के लिए आपको कोई प्रैक्टिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप ईयरबड का यूज़ कर सकते हो बड़ा डॉट्स अगर आप बनाना चाहते हो तो, और पॉइंटेड डॉट्स अगर आप बनाना चाहते हो तो इस तरीके का स्केच पेन या फिर ज़ीरो साइज ब्रश भी यूज़ कर सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने बीच का पार्ट ट्रांसपेरेंट क्यों रखा है और उसे ब्लैक कलर से क्यों नहीं कलर किया। तो वो इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि मैं ये जार किचन को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। दूसरी बात ये है कि मुझे इसमें मसाला रखना है, और अगर ये पूरा ब्लैक होगा तो आपको पता है मसाला को ढूंढने में बहुत परेशानी आती है कि कौन सा मसाला कहाँ रखा है, और फिर मुझे अल्टीमेटली लेबल चिपकाना पड़ेगा जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तीसरी और आखिरी बात ये है कि मुझे इसमें हल्दी रखना है, और इस बॉटल में हल्दी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा जार का बीच का पार्ट जो मैंने रेडी कर लिया है। अलग अलग कलर्स मैंने यूज़ किए हैं इसमें, जिसकी वजह से ये पूरा जार बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अब बारी आती है कैप की, जिसे भी सजाना होगा। तो सबसे पहले मैं इस के कैप को बंद कर लेती हूँ, और फिर ब्लैक पेंट से पेंट करने के बाद ही फर्दर डेकोरेट करूँगी।
आप इसमें बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हो। लकीली मैं आपको अपने दूसरे बॉटल का भी डिज़ाइनिंग करके बताऊंगी। तो ये मेरा दूसरा मसाला का जार है जिसे मैंने पहले ही सजा लिया था, पर इसका कैप छूट गया था, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसे डेकोरेट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली ये रेडी हो चुका है और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं एक और वेरिएशंस दिखाऊंगी आपको जो मैंने पहले बनाया था, लेकिन चैनल नहीं होने के वजह से मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई थी। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप डॉट्स वाले ही डिज़ाइन चुने, सिंपल डिज़ाइनिंग भी आप कर सकते हो अपने मसाले के जार को सजाने के लिए। मैंने यहाँ पे ब्लैक कोट यूज़ किया है, आप चाहे तो पिंक यूज़ कर सकते हो, डार्क ब्लू यूज़ कर सकते हो। और इस तरीके के 3 जार डिज़ाइन करने में मुझे पूरा 2 दिन लग गया, क्योंकि बारिश का मौसम है और एक्रेलिक पेंट को सूखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। और पता है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप बाहर से कुछ ना खरीद के और अपनी मेहनत से अपनी किचन को डेकोरेट करते हो, और जब आपके गेस्ट आए तो वो भी काफ़ी इम्प्रेस होके जाए, तो बहुत ही इंकरेजमेंट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, इस जार में मैंने बड़ी इलायची रखी है, आप चाहे तो कोई भी स्पाइसेस रख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये स्पाइस जार डेकोर और मेरा ये मेहनत थोड़ा सा भी पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप ऐसे ही क्रिएटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय दोस्तों।